हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन ऑर्नेट। सो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियां आते ही जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो हमारी एड़ियां होती हैं, यानी कि जो हील्स होती है हमारी, वो फटने लगती हैं। और नॉर्मली जो हमारी मदर्स होती हैं, आंटीज होती हैं, इनको ये ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि ये लोग हमेशा रहते हैं काम में बिजी, अपने घर में बिजी, और इतने अपने केयर भी नहीं कर पाते, काम में लगे रहते हैं। लाइक कपड़े धोना है, घर का काम है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें ये अपनी हील्स की केयर करना बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज को होती है। आपने बहुत ज्यादा लेडीज के मुंह से सुना होगा आपस में बात करते हुए कि भाई मेरी जो एड़ियां, मेरी जो हील्स है वो बहुत ज्यादा फट रही है, बहुत ज्यादा क्रैक हो गई है, बहुत ज्यादा किसी किसी को पेन भी होने लगता है कि बहुत ज्यादा मेरे को पेन हो रहा है, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें लगा ली, वैसलीन लगा ली, कोई बॉडी लोशन लगा लिया, बट ये सही नहीं हो रहा है, ऑयलिंग भी कर ली बट ये सही नहीं हो रहा। तो फ्रेंड, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मौसम चेंज होता है बहुत ज्यादा, और सर्दी गर्मी में हम लोग रहते हैं, और जब हम लोग अपनी एड़ियों की, अपनी हील्स की केयर नहीं करते, लोग सोचते हैं पैरों की क्या केयर करनी है। तो यस, पूरी बॉडी हमारी है, हमें हर चीज की केयर करनी है, और यही चीज हम लोग भूल जाते हैं और फिर हमें वो इफेक्ट करती है। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी होती है, हम लोग अवॉइड कर देते हैं, बट जब वो चीज बढ़ जाती है तो हम लोग उसकी केयर करते हैं, सोचते हैं, टेंशन लेते हैं कि अब पता नहीं कैसे सही होगी। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अलग से बनाई जाए, ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो, और बहुत ज्यादा ईजी सा कुछ काम है, मतलब बहुत ईजी सा डीआईवाई भी नहीं है, बस सिर्फ एक ही इंग्रीडियंट है, आपको बस वो चीज चाहिए, बहुत सस्ता है, ईजी है, और आप बहुत ज्यादा एक मिनट में कर सकते हो। लाइक आपको सोने जाना है ना, बस आप एक मिनट पहले कर लो सोने से, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना है क्या, हमें ये वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और आपको करना है मेरे चैनल सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो सबके साथ, ताकि जो सबकी जो क्रैक हील है वो पैक हील्ड हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारी हील्स क्रैक होती है हमें उसी को पैक करना है, क्रैक को पैक करना है, और उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक चीज। तो वो चीज क्या है? यस, वो बहुत सिंपल चीज है, आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड, वो चीज है ये, और ये है ग्लिसरीन। यस, आपको ये ग्लिसरीन आपकी जो पास में मेडिकल स्टोर है वहां मिल जाएगी, आप वहां से ले लीजिए, या फिर कॉस्मेटिक शॉप पर भी इजीली मिल जाती है। और ये वाली इतनी सी बॉटल मेरे को मिली थी 13-15 रुपीज की मिली थी, तो बहुत ज्यादा चीप होती है ये, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब इसके यूज तो बहुत सारे हैं, तो मैं अगर एक ही वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और बीच-बीच हो जाएगी, और हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है सबको होती है, तो आपको पता चल गया कि ये जो इंग्रेडिएंट है आपको कहाँ से लेना है, आपको मेडिकल शॉप से लेना है, या फिर किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर भी आपको मिल जाएगा। ग्लिसरीन आप कोई सी भी ले सकते हो, कोई सी ब्रांड की ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है कि आपको ये वाला लेना है या आपको वो वाला लेना है, या फिर वो वाला अच्छा है, ये वाला गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मिले, सारी ग्लिसरीन एक सी ही होती है नॉर्मली, तो आप कोई सी भी ले सकते हो, जितना आप छोटी बॉटल लो उतना ही, क्योंकि हमें इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करना है। और अगर आप सोच कर भी आओगे ना कि हम बड़ी बॉटल ले लें, हमारा आगे तक काम हो जाएगा, तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी सी बॉटल में आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर ग्लिसरीन की बात करें तो ये आपको सिंपली एकदम वाटर फॉर्म में मिलती है। लाइक आपको लगेगा वाटर, पर वाटर होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, और बहुत ज्यादा थिक होती है इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड के, मतलब वाटर के अकॉर्डिंग। तो आपको लगेगा ये वाटर, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो इसका फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा स्टिकी है, हैवी है, और बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो ये बहुत जगह यूज होता है। अब हमें करना है कि सिंपली फ्रेंड्स, हमें करना है सिर्फ इतना सा काम, जब हम रात को सोने जाए, मतलब हम बेड पे पहुंच जाए, हम बस सोने के लिए रेडी है, तो हमें करना है कि थोड़ी सी ग्लिसरीन लेनी है, अपनी फिंगर टिप पे ले लीजिए आप, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको बोल लेना है, इधर लेना उधर लेना, नहीं, आप डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग ऐसे ले लें। आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी ले सकते हैं, या फिर आपको इतना झंझट नहीं करना, तो बस आप अपने पास ये रखें, फिंगर की हेल्प से लें, और अपनी फिंगर की हेल्प से जो आपकी हील्स होती हैं उस पर हल्का हल्का अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद जब आपको लगे, थोड़ा स्टिकी लगेगा ही ये, और आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हील्स की बात करनी है ये हमें, और हील्स बहुत ज्यादा क्रैक हो चुकी होती है तभी हम ये चीजें यूज करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना लेना है, अपनी हील्स पर लगाना है, हल्का सा रब करना है, और साथ ही करना है जो सॉक्स होते हैं, कॉटन वाले सॉक्स ले लें, तो कोई से भी सॉक्स आप पहन सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वुलन सॉक्स होते हैं या कोई से भी सॉक्स पहनकर आपको नहीं सोना चाहिए, बट आप जो कॉटन वाले सॉक्स होते हैं जो हम समर्स में पहनते हैं, आप वो पहन लो, या फिर सिंपल कोई से भी पहन लो। इसको लगाने के बाद आपको अपनी हील्स को कवर करके, यानी कि सॉक्स पहन के, इसके बाद सो जाना है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको विद इन 1 वीक में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा कि आपकी जो हील्स है वो पैक होने लगेंगी, और साथ ही आपकी जो हील्स है वो सॉफ्ट भी होने लगेंगी।
सो फ्रेंड्स इतना सा था ये यूज ग्लिसरीन का, और इतने से काम से आपकी जो हील्स हैं वो पैक्ड हो जाएंगी और ब्यूटीफुल हो जाएंगी। सो अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको 5 दिन 7 दिन 8 दिन आप इसको लगाओगे तो आपको बिल्कुल इफेक्ट होगा, आप बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि हमने हमने पैसे वेस्ट कर दिए। और ये वेस्ट वाली तो बात ही नहीं, सिर्फ 13 to 15 rupees की मिलेगी और साथ ही ये इफेक्टिव भी है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई कीजिए और अपनी क्रैक हील को कर लीजिए पैक हील, एंड फ्रेंड आप इसको यूज करिए और बताइए मेरे को कमेंट में कि आपको कितने दिन में इसका रिजल्ट मिला। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू से टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।